हमारे मुल्क को हर बार हर तरह से शिकस्त दी है। इनके सुकून चैन और सियासत को तोड़ना हमारा मजहब है और ये जंग जारी रहेगी। लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। हमसे इस दर्जा तगाफुल भी ना बरतो साहेब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। ये दिलावर पठान का मोहल्ला है, हम इनके आका हैं और ये हमारे सर खदीद हैं। उस्मान मियां, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कहिए रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भाई वो ऐसा है कि तकलीफ होती तब भी आना था, नहीं होती तब भी आना था, आना तो था। खुश कर दिया। और सुनाइए, वहां का माहौल कैसा है और नए चीफ का मिजाज कैसा है भाई? अब क्या बताएं पठान साहब, कुछ समझ में नहीं आता है। जब से बड़े भाईजान के साथ हादसा हुआ है, सारे कबीले में मातम छा गया है। रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ उड़ गया है। और यहाँ तक कि छोटे भाईजान तो बहुत टेंशन में है, बहुत तकलीफ में है। खाना नहीं खा पाते हैं, एक ठिकाने से दूसरा ठिकाना, दूसरे ठिकाने से तीसरा, बस भटक रहे हैं, बस भटक रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि आप भी बहुत सी गलतियां कर चुके हैं। आपने ऐसे जाहिल लोगों को इस मिशन के लिए पाल रखा है जो इस काम के लिए बिल्कुल माहिर नहीं है। कोई पकड़ा जाता है, कोई पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाता है, बहुत से लोग तो कुत्तों की तरह जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। इसीलिए छोटे भाईजान ने एक फरमान भेजा है। फरमान? एक ऐसा फरमान जिसको पढ़ने के बाद हर घर की माँ और बहन जार जार रोएगी, आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। इससे बड़े भाईजान की रूह को सुकून मिल जाएगा और छोटे भाईजान को मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बेशक बेशक, चलिए पहले बिस्मिल्लाह कीजिए। आइए भाईजान, आइए तशरीफ रखिए। हम यहां पर दावत के लिए नहीं आए पठान साहब, एक खास मिशन के लिए आए हैं। छोटे भाई का हुक्म सर आंखों। आपको इस बार एक ऐसे कारनामे को अंजाम देना होगा जिससे सारे हिंदुस्तान में दहशत फैल जाए। तो फिर रकम भी मोटी होगी? रकम इतनी मोटी होगी कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी पठान साहब। रकम देखना चाहेंगे? कबूतर कौन? ये कबूतर नहीं उस्मान भाई, ये शेर है। और ये वो शेर है जिन्होंने हमारे गुनाहों की दुनिया को सातवें आसमान पर पहुंचाकर हमारे नाम के खौफ को बुलंद किया है। इनकी उंगलियों में वो तासीर है कि जब इनका हाथ होता है तो हमारी मोहर छप जाती है। गोली सिर्फ एक चलेगी दिलावर पठान साहब, सिर्फ एक, और सारे हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा, जलजला।
वो शख्स हमारी कौम की आंखों में नश्तर की तरह चुभ रहा है, नश्तर की तरह। ये रही तस्वीर। उस्मान कुरैशी, अपनी औकात में रहकर बात करो। ये जमीन पर तुम खड़े हो ना, ये जमीन बीसी की है, और जिस आसमान के तुम नीचे खड़े हो ये बीसी का है। यहां तक के जब तेज आंधियां भी चलती है ना, तो इसकी गली को कतराती हुई निकल जाती हैं। तूफान भी इसे देखकर अपना रुख मोड़ लेते हैं। जाओ उस भगौड़े से कहो कि वो शेर है, शेर था और शेर रहेगा। क्या हुआ जो हम गुनाह करते हैं? इस शहर को भी तो हम सुधारते हैं ना। आज तक तुम लोगों ने जो कुछ भी करने के लिए कहा हमने किया, क्योंकि वो सब इस शहर के लिए गंदगी थे। इसे भूल जाओ उस्मान कुरैशी। हमने तो समझा था कि भाईजान जिसके पास हमें भेज रहे हैं वो मर्द होगा, लेकिन आप तो हिजड़ा हो। हिजड़ा आप ये मर्दों के खिलौने छोड़ दीजिए पठान साहब, चूड़ियां पहन लीजिए, घर बैठ जाइए। आपकी यही औकात है, यही औकात है। उस्मान कुरैशी, अभी भी वक्त है। वक्त? कौन सा वक्त, किसका वक्त? पठान साहब, आप किस वक्त की बात कर रहे हैं, जरा बताए तो। क्या अगर यहां के मुसलमान तुम्हारे मुल्क जाएंगे तो क्या तुम्हारी हुकूमतों ने यहां का दर्जा देगी उस्मान? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं दर्जा मिलेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को काफिर समझते हैं, इनकी तो गिनती ही नहीं है। हिंदुस्तान में हर मुसलमान को बराबर का दर्जा दिया जाता है। हिंदुस्तानी भाइयों का दिल तो देखो, एक मुसलमान को राष्ट्रपति बनाने में वो कभी शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि फख्र महसूस करते हैं। हिंदुस्तानी फलसफा क्या बात है, हिंदुस्तानी फलसफा क्या बात है, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट में चवन्नियों के भाव बिकता है, चवन्नियों के भाव। हमारे मुल्क में हिंदुस्तानी मुसलमान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? दोगला, 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 कायर, कायर, कायर। शहर छोड़कर चले जाओ, अपना हुलिया बदलकर अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना इन बेवकूफों की वजह से पुलिस तुम्हें मार डालेगी। जाओ, खुदा का वास्ता जाओ। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे भाई। उसको बिठो डाल, उसको बिठो डाल, इससे भी लेना नहीं, उसको भी देना नहीं। फालतू जो बोल शूटर्स ट्रिपल एस। ट्रिपल एस बोले तो
सत्यम शिवम सुंदरम। मैं क्या बोलता हूँ तात्या? हा? ये बच्चे हमारा काम करेंगे? बच्चे नहीं, आप हैं ये। इनके नाम का ना कोई कंप्लेन है और ना ही इन्होंने पुलिस स्टेशन के चौखट पे कदम रखा है। इस बात का सबूत है मेरे पास बाबा। देखो, अगर तात्या ने इन लोगों को चुना है तो इन लोगों में जरूर कोई बात होगी, क्योंकि तात्या की नजरों ने आज तक कभी धोखा नहीं खाया। गुनाह हो कि दुनिया का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहते तात्या को, समझे? अरे हाँ बाबा, इनका परिचय नहीं कराया। शिवा, समीर, सैंडी, और ये हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बाबा। बाबा हाँ बैठो। थैंक यू, थैंक यू। तुम लोगों को यहाँ किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आज के बाद ना तुम हमें फोन करोगे ना हम तुम्हें। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तात्या है, समझे? क्या आप काम की बात करें? ये रहे 5 लाख रुपए, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। बाकी का पैसा काम पूरा हो जाने के बाद। और हाँ, पैसों की चिंता तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है बाबा। पैसों की चिंता वो करते हैं जिसमें वसूल करने का दम नहीं होता है। कसम, हम भी वो कमीने हैं जो शेर के मुंह से भी शिकार छीन लेते हैं। वाह क्या बात है, कमीने पन ने हद कर दी। अच्छा बोलता है। खैर छोड़िए इन बातों, सिर्फ इतना बताइए कि किसकी फोटो पर हाथ चढ़ा। एक बात पूछूं बाबा, ये काम तो तुम्हारा भी कोई आदमी कर सकता है, फिर हम पे इतने पैसे क्यों लुटा रहे हो? हाँ तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ गिनने की कोशिश मत करो। ठीक है ठीक है, ये सवाल पूछ के हमसे गलती हो गई। ठीक है चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या सोच रहा है शिवा? सैंडी तो शेर देख रहा है, कितनी शांति और सुकून है यार। हर आदमी अपनी रोजी रोटी कमाकर चैन और सुकून की नींद ले रहा है, और साला एक अपना मुंबई है जो कभी सोता ही नहीं है, अखी रात थक जाती है मगर मुंबई नहीं थकती। सच बोलता है तू, अपना मुंबई इंसानों का महासागर है महासागर। हर कोई कुत्ते और बिल्ली की तरह से भाग रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। हे सैंडी, हाँ ये दुनियादारी की बातें छोड़ो और यहाँ आकर मेरा प्लान देखो। बता। आजा शिवा। हाँ बोल। शिवा ये मेन रास्ता अंदर जाना है और इस रास्ते से हमें अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये रास्ता आम जनता के लिए खुला हुआ है। और अंदर जाने के बाद तेरी पोजीशन स्टेज के पास होगी, जहाँ से तू निशाना लगाएगा। और सैंडी तू कुछ पल के लिए हॉल गेट बंद कर, अगर शिवा का निशाना छूटा तो उस निशाने को मैं लगाऊंगा। इस प्लान से चलेंगे ना तो जरूर सक्सेस होंगे।
प्लान अच्छा है समीर का। जब गोलियों की आवाज से पब्लिक में भगदड़ मचेगी तो उसी भीड़ का सारा लेके हम भी सटक लेंगे। इसको भी अभी आनी थी। माननीय अतिथि देवी और सज्जनों, मैं आप सबका अखिल भारतीय पत्रकार संगठना की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी पत्रकार दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का सम्मान हमें माननीय कमिश्नर मेहरा साहब की ओर से दिया जाएगा। मैं कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वे हम सबको मार्गदर्शन करें। भाई और बहनों नमस्कार। सबसे पहले मैं पत्रकार संगठन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। वैसे तो पुलिस और मीडिया प्रजातंत्र के वो दो स्तंभ हैं जिन पर प्रजातंत्र का महल टिका हुआ है, जिसकी छत के नीचे समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, क्या वाकई समाज विश्वास का पात्र है? क्या पुलिस में करप्शन बढ़ तो नहीं रहा? प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों नोट छापने की मशीन बनकर रह गए। हमारे मुल्क की सीमा असुरक्षित नहीं है और राजनीति का तो कहना ही क्या, गुंडों और मवालियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं और बड़े बड़े मुजरिम कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक अकेली लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है तो पेपर के किसी कोने में एक लाइन छप जाती है और अखबार का पूरा पन्ना नेताओं और अभिनेताओं के जन्मदिन की बधाई के लिए छोड़ देते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अखबार के उस पन्ने पर सिर्फ उस पीड़ित लड़की का ही अधिकार है जो उसे न्याय दिलाने में मदद कर सकता है, समाज को बदलने में मदद कर सकता है। इसलिए हमें बदलना, हम लोग कोई साधारण आदमी नहीं, इसलिए हमें काम भी असाधारण ही करना होगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। धन्यवाद। मैं कमिश्नर साहब से विनती करती हूँ कि सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का पुरस्कार प्रशांत शास्त्री को जाहिर करें। कांग्रेचुलेशन भैया। I'm
मास्टरमाइंड, क्या सोच रहा है रे? हाँ, क्या सोच रहा है श्याणे? साले ये सोच रहा हूँ कि सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूं। क्या बोला? निकम्मा साला। शिकार सामने होते हुए गोली नहीं चला पाया। क्या रे, पागल हो गया तू? साले बकवास बंद कर, समझा? चुप हो जा, आज तेरी वजह से हम इस पोजीशन पे हैं, समझा क्या? देख समीर, मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैंने निशाना बराबर जगह पर लगाया था, समझा? उस बीच वो पत्रकार आ गया तो मैं क्या करूँ? ये भी मेरी गलती है क्या साले? ए शाने, तेरे कहने का मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये गलती किसी की भी हो, लेकिन आज हम मुसीबत में हैं, समझा? समीर, मैंने सोच लिया है। चुप। मेरी सोच की वजह से ना आज हम यहाँ पे हैं। चल छोड़, बियर पीते हैं, चल खत्म कर सब। तुझे पता है मैं नशे में कोई काम नहीं करता। ए, चल पीते हैं, समझा? अबे पीता नहीं तो जीता क्यों है? अबे दूध पी ले दूध। लेकिन अब जो मैंने सोचा है ना, उसमें कोई गलती नहीं। देख तेरा आइटम आयला है। अबे सैंडी, अपना कौन सा आइटम यार? अपन को कौन सा उसके साथ शादी मनाने का है? रात को 2 बजे घर आने वाली लड़की अच्छी होती है क्या? पता नहीं कितने छावे होंगे साले उसके, और किस किस के साथ सो गई होगी, तेरे को मालूम क्या? हे शिवा, देख के बारे में ऐसी बातें नहीं करा करते, क्या जाने क्या मजबूरी है उसकी। इस पापी पेट को पालने के लिए इंसान ना जाने कितने गलत रास्ते अपनाता है। कुछ हमारी तरह जो हथियार पकड़ते हैं, और कुछ जो भीख मांगने को मजबूर होते हैं। बस खुली हवा में सांस ले रहे हो, ये हवा तुम लोगों को हजम होगी। अबे लंगड़े, अबे तो क्या हम इंसान नहीं है? तू जीता जागता किलर मशीन है। और ये क्या नाटक है बे? वो लौंडा अभी तक जिंदा क्यों है? अबे एड़ा हो गया है क्या?
वो लड़का अभी अभी घर में आया है, अगर अभी उसको मारा ना तो खामोखा लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा क्या? जरा ठंड रख ठंड। अबे तुम्हें उससे क्या, गेहूं के साथ खून भी पिस जाए तो चलेगा, राउंडर ने पहचान लिया तो मां की आंख हो जाएगी। अबे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग उस लौंडा के चक्कर में जज्बाती हो रहे हो? अबे तात्या कभी तो किसी की इज्जत करना सीख, तो उसकी मौत हो जाती है। अरे जब मरने वाला सामने है और मारने वाले यहां तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हां प्रॉब्लम क्या है? और अगर ना मारे तो? जब बाबा ने बोला मार दे तो मार दे, समझा? बाबा वो लड़के ने आप लोग को नहीं देखा, हमको देखा है, मरेंगे तो हम लोग मरेंगे, आप नहीं। ए, बहुत समझदारी की बात करता है तात्या, समझा इसको, समझा समझा। ए बाबा तुमने बोला उस कमिश्नर को मार दो, हमने मार दिया, तुमने बोला फारूक और करंटा को मार दो, उनको भी मार दिया। अबे एहसान किया क्या, एहसान किया बाबा? साले रोकड़ा दिया इनको, रोकड़ा रोकड़ा मुंह पे फेंका है। तात्या समझाना बाबा को, जिस जिसको बोला उसको ठोका, साला हमारे कहने पे बच्चे को नहीं छोड़ सकता, वादा करता है अपन तात्या को आज नहीं आने देगा। वादा तो रोज जनता से करते हैं लेकिन वादा होता है तोड़ने के लिए। साला सुना जगन की बात, वादा होता ही है तोड़ने के लिए, वादा एक रंडी की तरह होता है जिसे रोज रात को बदलना पड़ता है, रोज रात को। ए बाबा अब ये बेवकूफ जिद कर रहे हैं ना तो इनकी बात मान ले, छोड़ दे बच्चे को, छोड़ दे, बात मान ले मेरी। बाबा तात्या की बात मान, इन बेवकूफों ने बहुत हमारे लिए काम किया है, माफ कर देने, माफ कर दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मेरी बात मान, जाने देने। तात्या तू बोलता है तो तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन एक शर्त पे, एक शर्त पे, इन सबको आज अभी इसी समय ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पापा लोग आज ही शहर छोड़ेगा, लेकिन अपना रिक्वेस्ट है तुमसे, उस फैमिली को कुछ मत करना, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका, बहुत बड़ा एहसान होगा। चल जा, जा, चल, चल। यकीन नहीं होता कि आज भी आप जैसे लोग दुनिया में हैं, जो गुनहगार को भी माफ कर देते हैं। आप महान हैं बाबूजी। आपके अनजाने में बहुत गलतियां हुई है, हो सके तो हमें माफ कर दो बाबूजी। हम कौन होते हैं माफ करने वाले या सजा देने वाले? मेरी सोच में तो हर गुनहगार का फैसला तीन अदालतों में होता है, एक तो दुनिया ने बनाई हुई अदालत, दूसरी उसकी अंतरात्मा, और तीसरी ऊपर वाले की अदालत। कहीं ना कहीं तो हिसाब चुकाना ही पड़ता है। अगर हमारे माफ करने से तुम्हारा बोझ हल्का होता हो तो हम जरूर माफ कर दे, ताकि आखिरी दम आसानी से निकल सके। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, हम करेंगे, जरूर करेंगे। ये कुछ पैसे हैं जो हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं, शायद आप लोगों के कुछ काम आ जाए। समझ नहीं आता क्या कहें आप लोगों से, लोग तो मेहनत से कमाया हुआ एक रुपया भी किसी को देने से पहले 100 बार सोचते हैं, और आप लोग इतने सारे पैसे हमें दे के जा रहे हैं। बात तो साफ है, जब ये पैसे आपके किसी काम नहीं आए तो हमारे किस काम आएंगे? भाग जाओ, भाग जाओ सब, यहाँ कोई नहीं बचेगा, भाग जाओ। क्या हुआ तुम इतने घबराए हुए हो? माँ जी नेकी करने चले थे ये लोग, कोई नहीं बचने वाला है, इसकी जिंदगी की भीख मांगने गए थे उन हरामखोरों के पास। क्या? लेकिन कोई नहीं बचेगा। भागो भागो, तुम लोग जल्दी भागो, मेरे परिवार को संभालो। हाँ मैं उनको रखूंगा, अगर जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे, जाओ भागो। नहीं बाबूजी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ए सुनो बाबूजी, नहीं जा सकते समीर सैनी, अब आखिरी सांस तक इस परिवार की हिफाजत करनी है। बात सुनो। नहीं बाबूजी, आप भी चलिए, मेरी बात मानो, निकलो, जाओ इनको ले जाओ। चलो तुम लोग आगे निकलो, चलो माँ जी आप भी चलिए, बाबूजी जाओ भागो।
हम चले थे कहाँ, आ गए हैं कहाँ, खो गई मंजिले, खो गया कारवां, ऐसे हालात से हम हुए दर बदर, जिंदगी बन गई अनकही दास्तां, जिंदगी बन गई अनकही दास्तां। मैं क्यों भाग रहा हूं? अरे तुमको मारने का है ना? मेरे को किसी को मारना वाना नहीं, मैं राजनीति वाला आदमी हूं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। अरे तो भाग भाग, तू ये पहले जाके, ए तू आजा आजा। ऐसी हमसे भला हो गई क्या खता, वक्त ने है दिया हमको ऐसी सजा। कैसे अजब मोड़ पर है खड़े, ढूंढे मिलता नहीं अब कोई हम नवा, ढूंढे मिलाता नहीं अब कोई हम मरेंगे। बर्दाश्त कर लिया लोगों, अब नहीं छोड़ेंगे, मतलब नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो शिवा, मैं भी साथ आऊंगा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। हट सत्या, मैं भी आऊंगा आपके साथ। नहीं, मैं भी लड़ूंगा तुम्हारे साथ, मैं भी लड़ूंगा। अब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मशीन है। Shooter, the dangerous game.